स्वागत है फिर से एक नई वीडियो में। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ ही साथ अपने दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। यदि आप हमारे फेसबुक पेज पे नए हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिएगा, और यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आने वाली वीडियोज आपको सबसे पहले मिले। हमारा 58 नंबर क्वेश्चन है, 12 अगस्त को किस रूप में मनाया जाता है? इस क्वेश्चन को CDS के एग्जाम में 2020 में पूछा गया है। ऑप्शन ए है विश्व पर्यावरण दिवस, ऑप्शन बी है विश्व तंबाकू निषेध दिवस, ऑप्शन सी है अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस, और ऑप्शन डी है नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध व्यापार के विरोध का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। तो 18 नंबर क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर जो है वह आपका ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में हम लोग 12 अगस्त को मनाते हैं। उसके बाद हमारा 59 नंबर क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है? इस क्वेश्चन को UPPCS के एग्जाम में 2020 में पूछा गया है। ऑप्शन ए है 20 मार्च से, ऑप्शन बी है 25 जनवरी को, ऑप्शन सी है 21 फरवरी को, और ऑप्शन डी है 21 दिसंबर को। तो 59 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो है वो आपको ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट, 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं। उसके बाद हमारा 60 नंबर क्वेश्चन है, 60 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए है विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई, ऑप्शन बी है विश्व वानिकी दिवस 21 मार्च, ऑप्शन सी है विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून, और ऑप्शन डी है विश्व तंबाकू निषेध दिवस 22 मार्च। तो हमारा 60 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो है वह आपको डी हो जाएगा करेक्ट, ये जो है सम्मिलित नहीं है, हाँ सुमेलित नहीं है, क्योंकि विश्व तंबाकू निषेध दिवस जो है वह आपको 31 मई को मनाया जाता है, इसके लिए ये सही सुमेलित नहीं है, तो करेक्ट आंसर इसका ये हो जाएगा। उसके बाद हमारा 61 नंबर क्वेश्चन है, हमारा 61 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? इस क्वेश्चन को UPPCS के एग्जाम में 2017 में पूछा गया है। ऑप्शन ए है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च, ऑप्शन बी है विश्व जल दिवस 22 अप्रैल, ऑप्शन सी है विश्व कुष्ठ निवारक दिवस 30 जून, ऑप्शन डी है विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो है वह आपको 61 का बी हो जाएगा करेक्ट, विश्व जल दिवस 22 अप्रैल ये सही सुमेलित नहीं है, क्योंकि इसका करेक्ट आंसर जो है वह आपको होता है 22 मार्च को, इसके लिए इसका आंसर जो है ये हो जाएगा। उसके बाद हमारा 62 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए है विश्व साक्षरता दिवस 8 सितंबर, ऑप्शन बी है संयुक्त राष्ट्र दिवस 24 अक्टूबर, ऑप्शन सी है विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल, और ऑप्शन डी है विश्व मानवाधिकार दिवस 1 दिसंबर। तो 62 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो है वो आपको ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट, क्योंकि ये सही सुमेलित नहीं है, इसका करेक्ट आंसर जो है वह आपको होता है 10 दिसंबर को हम लोग विश्व मानवाधिकार दिवस जो है मनाते हैं, लेकिन यहाँ पे 1 दिसंबर दिया गया है, तो इसमें कहा गया है कि युग्म सुमेलित नहीं है, तो करेक्ट आंसर जो है इसका ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट। उसके बाद हमारा 63 नंबर क्वेश्चन है, दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सूची एक में दिया गया है महत्वपूर्ण दिवस, सूची दो में है तिथि, तो इसका जो है ऑप्शन ए में है विश्व पर्यावरण दिवस, ऑप्शन बी है विश्व वानिकी दिवस, ऑप्शन सी है विश्व जनसंख्या दिवस, और ऑप्शन डी है विश्व ओजोन दिवस। यहाँ पे 1, 2, 3, 4 करके 21 मार्च 5 जून 16 सितंबर और 11 जुलाई दिया गया है, तो इसका सही सुमेलित जो है वह आपको हो जाएगा ऑप्शन ए विश्व पर्यावरण दिवस जो है इसका करेक्ट आंसर आपको हो जाएगा 5 जून। उसके बाद ऑप्शन बी है विश्व वानिकी दिवस, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको 21 मार्च। उसके बाद ऑप्शन सी है विश्व जनसंख्या दिवस, तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो आपको हो जाएगा 11 जुलाई, और ऑप्शन डी है विश्व ओजोन दिवस, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको 16 दिसंबर। तो इस प्रकार से इसका सही सुमेलित होगा, तो इसका करेक्ट आंसर जो है वह आपको ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट, ऑप्शन डी उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद हमारा 64 नंबर क्वेश्चन है, सुमेलित कीजिए, सूची एक में अंतर्राष्ट्रीय दिवस दिया गया है और सूची दो में तिथि दिया गया है। ऑप्शन ए में है विश्व पर्यावरण दिवस, ऑप्शन बी है विश्व जनसंख्या दिवस,
ऑप्शन सी है विश्व वानिकी दिवस और ऑप्शन डी है विश्व तंबाकू निषेध दिवस। तो इसका सही सुमेलि जो है वो आपको हो जाएगा ऑप्शन ए का हो जाएगा 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस, ऑप्शन बी का हो जाएगा 11 जुलाई विश्व जनसंख्या दिवस, ऑप्शन सी का हो जाएगा 21 मार्च और ऑप्शन डी का हो जाएगा विश्व तंबाकू निषेध दिवस ऑप्शन 4 नंबर 31 मई। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो आपको ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद हमारा 65 नंबर क्वेश्चन है, 65 नंबर क्वेश्चन है सुमेलित कीजिए, सूची एक में दिया गया है अंतर्राष्ट्रीय दिवस और सूची दो में दिया गया है तिथि। इस क्वेश्चन को UPPCS के एग्जाम में 1999 ईस्वी में पूछा गया है। इसमें ऑप्शन ए में दिया गया है विश्व अल्पसंख्यक दिवस, ऑप्शन बी में है विश्व एड्स दिवस, ऑप्शन सी है विश्व पशु दिवस और ऑप्शन डी है विश्व खाद्य दिवस। तो इसका सही सुमेलि जो होगा वो आपको ऑप्शन ए का हो जाएगा विश्व अल्पसंख्यक दिवस का, ये 2 नंबर हो जाएगा 18 नवंबर को। उसके बाद ऑप्शन बी विश्व एड्स दिवस का हो जाएगा आपको 1 दिसंबर को हम लोग विश्व एड्स दिवस मनाते हैं। ऑप्शन सी का हो जाएगा विश्व पशु दिवस, इसका हो जाएगा आपको 3 अक्टूबर को हम लोग विश्व पशु दिवस के रूप में मनाते हैं। और ऑप्शन डी विश्व खाद्य दिवस का करेक्ट आंसर जो है वो आपको 16 अक्टूबर हो जाएगा। इस प्रकार से हमारा इसका सही सुमेलित होगा। तो 65 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो है वो आपको ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट। आज के वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लेते हैं अलविदा। जय हिंद जय भारत, थैंक यू सो मच।